हेलो फ्रेंड्स, माँ का खजाना चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस, और हैप्पी क्रिसमस आने वाला है। उस पर जो है मैं बिस्किट का केक लेके आई हूँ, जो झटपट तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है, और पार्टी में आप इसको खिलाइए, एंजॉय करिए। तो चलिए बनाते हैं। झटपट केक बनाने के लिए दोस्तों, ये देखिए मैरी गोल्ड का मैं पैकेट लिया है। आज इसका मैं केक बनाऊंगी, और ये सारे बिस्किट, पूरे पैकेट का बिस्किट मैं निकाल ले रही हूँ। और इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, क्योंकि इसको मिक्सी के जार में फिर हम इसको डाल देंगे, और इसको हमको मिक्सी के जार में इसको पीसना है। दोस्तों आप किसी भी बिस्किट का केक बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि केक जो है मैदे से ही बनता है। तो इसलिए जल्दी बनाना हो तो आप इस तरह बिस्किट इसका भी ऐसे बना के, और ये जार में हम इसको, ये जार है, इसके अंदर डाल के हम इसको मिक्सी चला देंगे। दोस्तों देखिए, मिक्सी मैंने पीस लिया है और बिल्कुल पतला एकदम मैदा की तरह देखिए हो गया है। अब हम इसमें दूध मिलाएंगे। दोस्तों मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें देखिए मेरा ये पुराना नमक ही है, और मैंने नमक इसमें जो है डाल दिया है, और गैस को मैंने तेज रखा। इसको चूंकि हमको प्रीहीट करना है, अब इसको ढक करके हम इसको प्रीहीट करेंगे जो है 3 मिनट के लिए। ये मैंने कटोरा लिया हुआ है, जस्ते का आप स्टील का भी ले सकते हैं। और इसमें देखिए, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसको लगा लीजिए, नहीं है तो देशी घी आप इधर, या कोई भी रिफाइंड आप चारों तरफ इसको लगा लीजिए, कि जैसे अच्छे से आपका केक बाद में निकल आए। इसमें थोड़ा सा हमें मैदा या आटा को टैप कर देंगे, कि जैसे अच्छे से हमारा निकल आए हो। दोस्तों ये मैरी गोल्ड का बिस्किट है, इसलिए मीठा कम होता है। अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो चीनी नहीं डालिए, नहीं तो इसमें आधी कटोरी आप इसमें जो है पिसी हुई चीनी आप इसमें डाल के मिक्स कर लीजिए। चीनी हमने इसमें मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच जो है देशी घी डालेंगे। अगर आपके पास देशी घी नहीं तो कोई भी रिफाइंड इसमें आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये मैंने हर्षिस सिरप मेरा है, ये डालूंगी मैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप चॉकलेट का भी यूज कर सकते हैं। अंकल अब दोस्तों इसको मिक्स करके, इसमें देखिए मैंने ये दूध लिया है ठंडा, अब ठंडे दूध से हम इसको सानेंगे, पानी से नहीं करेंगे, दूध से ही थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसको करेंगे, बैटर करेंगे, कि नहीं ज्यादा एक साथ डाल देंगे तो गीला होने का डर है। बिस्किट का बैटर जो है बहुत हमको, इसे करके अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसमें देखिए मैंने ड्राई फ्रूट कुछ डाल दिए हैं और कुछ ऊपर से डालेंगे। इतना पेस्ट हमको बनाने में 2 ग्लास मेरा दूध लगा है इसमें, और इसके बाद हर्षी सिरप मैंने 2 बड़ा चम्मच इसमें डाला हुआ है। अब हम इसको, इस बैटर को हम अब कंटेनर में डालेंगे। दोस्तों जब कंटेनर में हम डालेंगे, उसके पहले ही जस्ट हमको इनो का एक पैकेट, हम इसमें इनो का एक पैकेट मैं डालूंगी, और थोड़ा सा इसमें दूध डाल देंगे, कि देखिए कैसे किस तरह ये उठने लगा है। उसके बाद फिर इसमें फेंक के तब हम कंटेनर में डालेंगे। पहले से हमको डाल के नहीं रखना है, जब हमको पकाना है तभी हम इनो इसमें, या बेकिंग पाउडर, आप इनो नहीं है तो बेकिंग पाउडर भी आप डाल सकते हैं इसमें। अच्छे से हम फेंट लेंगे, उठ गया है खमीरा, अब हम इसको इसमें कंटेनर में हम इसको डाल देंगे। अब इसके ऊपर दोस्तों मैं काजू लगा रही हूँ, आप जो आपके पास ड्राई फ्रूट है वो आप लगा सकते हैं इसमें, काजू, बादाम, किशमिश, जो भी हो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास चेरी हो तो चेरी भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको, दोस्तों ये देखिए हमारा कढ़ाई प्री हीट हो गया है, अब हम इसको इसके अंदर रख देंगे, और फिर हम इसको ढक्कन से ढक देंगे, और 15 मिनट तक इसको हम टच नहीं करेंगे, और गैस को हम धीमा रखेंगे। दोस्तों 15 मिनट हो गया है, चलिए देखते हैं कि पका है कि नहीं। वाओ देखिए कितना फूल के तैयार हुआ है, और मैं हाथ से टच कर रही हूँ, अभी ये सॉफ्ट है,
तो इसका मतलब अभी हम इसको हमको 10 मिनट और पकाना है। दोस्तों केक पकने में पूरा 30 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए फूल तो गया है लेकिन अभी ये हल्का सा छूने में मुलायम है, तो अभी हम इसको 10 मिनट फिर रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि पका कि नहीं पका। वाओ देखिए कितना ज्यादा ये ऊपर से फूल गया है, स्पंजी बन गया है। अब मैं ये जो स्टिक डाल के देखती हूँ कि पक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए पास से दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल इसमें लगा नहीं है। चाहे आप कहीं से भी डाल के दीजिए, अगर आपका लग रहा है तो आप 5-10 मिनट और पका सकते हैं। स्टिक में नहीं लग रहा है तो अभी दोस्तों इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये केक पकने में कुल हमको 50 मिनट लगे, 50 मिनट हमारा लगा है। अब गैस को हमने ऑफ कर दिया और इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। दोस्तों ये केक बन के देखिए तैयार हो गया। अब हम इसको ठंडा हो गया, अब हम इसको ट्रे में ऐसे करके हम इसको पलट देंगे। वाओ क्या सुंदर बन के तैयार हुआ है। उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे। ये देखिए दोस्तों कितना स्पंजिंग, देखिए मैं दबा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा दबने पे फूल रहा है। बहुत ज्यादा स्पंजिंग हमारा ये बना हुआ है, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। देखिए इस तरह मैंने सजा दिया है, आप जैसे चाहे वैसे आप इसको सजा सकते हैं और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये। दोस्तों अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे कमेंट करके बताइए कि आपका ये केक कैसे बन के तैयार हुआ। तो दोस्तों फिर से हैप्पी क्रिसमस, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।